नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। विश्व आदिवासी दिवस पर पामगढ़ में मनमोहक प्रस्तुति, गाजे बाजे के साथ निकाली रैली। जांजगीर जिले के पामगढ़ में आज विश्व आदिवासी दिवस पर समाज के लोगों द्वारा विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान पामगढ़ से चंडीपारा तक मनमोहक झांकी रैली निकाली गई, जिसमें विभिन्न पोशाकों में बड़ी संख्या में युवक युद्ध द्वारा गाजियाबाद की धुन पर नृत्य करते दिखाई दिए। कार्यक्रम सुबह से सद्भावना भवन में आयोजित किया गया, जिसमें आसपास की बड़ी संख्या में आदिवासी युवक युवती शामिल हुए। कार्यक्रम के मध्य में आदिवासी समाज ने अपनी प्राथमिकता दर्ज कराते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की अलग पहचान है। आदिवासी बोलना प्रकृति प्रेमी होते हैं, उनसे ही जंगल बचा हुआ है। साथ ही संविधान में भी आदिवासी वर्ग को बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। उन्होंने कहा कि आज आदिवासी विरासत को बचाने की आवश्यकता है। सुबह से रंगारंग कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सामूहिक नृत्य गीत व युवक युवतियों द्वारा विभिन्न प्रकार के आदिवासी नृत्य का प्रदर्शन किया गया। भरत सिंह चौहान की रिपोर्ट। आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज हमन आदिवासी दिवस 9 अगस्त में मनाए हैं, तो ये आज हमन के दिवस है, आज हमन के दिन है, लेकिन हमन सबसे पहले देशवासी ला विश्व आदिवासी दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। आज पामगढ़ ब्लॉक में सर्व आदिवासी समाज के तत्वाधान में विश्व आदिवासी दिवस का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें लगभग 5-6 हज़ार लोग अपने आसपास के गांव से, ब्लॉक और जिला से उपस्थित हुए हैं। और देश को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि आदिवासी है तो यानी जो संस्कृति है, जल जंगल है, वो संरक्षित है। और मैं सभी से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो आदिवासियों का जो हक और अधिकार है 5वीं और 6वीं अनुसूची, उसको सरकार लागू करे, क्योंकि आने वाला समय में अगर पर्यावरण नहीं रहेगा, जल नहीं रहेगा, तो फिर कल नहीं रहेगा। और आदिवासी इसका संरक्षक है, और यानी अपने गोत्र के साथ, अपने टोटम के साथ, अपना जल जंगल जमीन का यानी पशु पक्षी का संरक्षक के रूप में नाम और गोत्र भी रखते हैं। तो विश्व आदिवासी दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा